गांव मिटी दांडी में दबंगों ने किया बारात घर बनने का विरोध। आपको बताते चले, बहेड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मिटी दांडी में सरकारी योजना के तहत बन रहे बारात घर, जहां गांव के लोग खुश हैं तो वहीं गांव में हार रहे विकास को लेकर दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बनने से उन्हें अपने ही गांव में अपनी बेटियों का विवाह के लिए बाहर नहीं जाना होगा, इस समय और पैसा दोनों ही बच सकेंगे। वह कुछ लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है गांव में जल्दी से जल्द बारात घर बनाना जरूरी है, उनकी सरकार से अपील है। वही महिलाओं का कहना है कि कुछ दबंग किस्म के लोग बारात घर बनना नहीं देना चाहते हैं। मेरा नाम भागवती। बारात घर बनवाने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है, जो आम लोग हैं वही दिक्कत उठा रहे हैं। हमें तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ये बारात घर बन रही है, हमारी लड़कियों की सुविधा हो रही है। ये जिसके पास पैसा है वो तो चलो बैंक ढाल ले लेंगे, और हमारे पास पैसा नहीं तो हम अपनी बेटियाँ कहाँ लेके जाएंगे? जिनकी तो हो भी थी वो तो हो भी थी। तो प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? हमारी तो ये कि बैंक ढाल बनना चाहिए, बस हमारी बेटियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, ये बस चाहिए। और जो काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गाँव के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हम। और जो विरोध उठा रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं आखिर, ये क्या गलत हो रहा है? कौन लोग विरोध चाह रहे हैं? महेंद्रपाल है और क्या दो तीन लोग और है, गांव के निवासी हैं। हाँ, धर्मेंद्र है, महेंद्रपाल है, अम्मा प्रसाद है, कई लोग हैं। ये तो मेन घर से तो मतलब ये क्या है, इनकी भी तो बेटियां हैं, तो मतलब इनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपनी बेटी कहाँ लेके जाएंगे? और अच्छा हो रहा है, मंदिर भी है यहाँ पर, धर्मशाला है, बेटियों के लिए बनी है सब। मतलब जो निवल प्रधान जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए विकास हो रहा है, ये कोई गलत नहीं कर रहा है, वो हमारी नजर से कोई गलत नहीं है। और जो एक्शन गलत उठाएगा वो समझ लो हमारा विरोधी हो जाएगा वो। सबकी लड़कियां हैं वो तो। हाँ। Yeah.